हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू नेहा डॉट अनीश। और आज है हम लोग का बेंगलोर में सेकेंड डे। तो हम लोग मॉर्निंग में उठे, फ्रेश व्रेश हुए हैं, उसके बाद अभी हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। तो उधर अनीश बैठा हुआ सामने, उधर गाना बज रहा था तो वो डांस कर रहा है अभी। तो हम लोग जहाँ ब्रेकफास्ट करने गए थे वो मेरे प्रीवियस ऑफिस के एकदम पास में ही था। तो मैं ऑफिस में भी गई थी सबसे मिलने, पर मैं उसका वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि फ़ोन आशु के पास था, मैं अनीश को लेके गई थी। तो हम लोग जहाँ पे ब्रेकफास्ट करने गए थे वहाँ का ब्रेकफास्ट आशु को बहुत पसंद आता है, क्योंकि हम लोग जब पहले ऑफिस जाते थे तो वहीं से कभी कभार ब्रेकफास्ट कर लेते थे। तो इसलिए आज हम लोग सोचे कि वहीं पर जाया जाए, वहाँ से ब्रेकफास्ट करके आया जाए। यहाँ पे अभी हम लोग कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। ये क्या है? केसरी राइस। कुट्टू भात बोलते हैं, तो राइस नहीं होता। केसरी राइस बोलते, भात बोलते हैं, सॉरी। आइए खा रहे हैं अपना फेवरेट मेदू बड़ा। नेहा कैसा है? हम लोग आए हैं सिंधु कैफे ना, सिंधु कैफे। वही देख के बोल रही नहीं पीएगी बाबू, नेहा बोल रही नहीं पीएगी, देख कॉफी नहीं पीएगी। श्रेष्ठ बेटू मम्मा दा 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 अभी तो बड़ा कहाँ खा रही है। तो ये ब्रेकफास्ट के लिए बेस्ट प्लेस है, यहाँ का खाना भी काफ़ी अच्छा रहता है और मॉर्निंग टाइम में ओपन होता है। तो जितने भी ऑफिस वर्कर लोग रहते हैं सबको यहाँ पे आके ब्रेकफास्ट करते हैं, मतलब हमेशा यहाँ पे क्राउड रहता ही है। क्योंकि मैं जब पहले ऑफिस में जाती थी तभी भी यहाँ पे क्राउड रहता था, वहाँ पर यानी सभी भौमिक के संग खेल रहा है। तो हम लोग ब्रेकफास्ट करके घर गए थे, उसके बाद फ्रेश होके हम लोग सबको निकले थे छोटा लद्दाख के लिए। तो अभी हम लोग निकल गए, हम लोग सबको जा रहे हैं छोटा लद्दाख। तो दीपिका के घर से छोटा लद्दाख का डिस्टेंस था अप्रॉक्स 37 किलोमीटर, 37 और 38 किलोमीटर। तो हम लोग आफ्टर ब्रेकफास्ट, मतलब वही करीब 10:30 और 11 o'clock हम लोग निकल गए थे वहाँ के लिए। अनीश सोया था, सो के उठा है इसलिए उसको उसका बाल थोड़ा बिखरा हुआ है। और ये पूरा रास्ता का व्यू था, एकदम ग्रीन ग्रीन था, क्योंकि हम लोग गए थे इसी मंथ तो मानसून था। वैसे बारिश काफ़ी देखने को नहीं मिला था, बट वेदर बहुत ही अच्छा था, क्लाइमेट बहुत सुंदर था, तो बहुत अच्छा लगा। वो व्यू भी बहुत अच्छा था। तो बस अब हम लोग थोड़ी देर में पहुंचने ही वाले हैं। और इस व्यू को देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो मेरे को तो बहुत ज़्यादा पसंद आया ये वाला। तो इधर हम लोग पहुंच गए हैं लोकेशन पे और यहीं पे हम लोग गाड़ी रखे थे, गाड़ी पूरा ऊपर तक आ जाता है। उसके बाद यहाँ से बस 1 मिनट का ही वॉकिंग डिस्टेंस है ऊपर जाने के लिए। वहाँ से पूरा व्यू बहुत सुंदर लगता है, ऐसे यहाँ का व्यू भी काफ़ी सुंदर था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो इसका नाम है छोटा लद्दाख, क्योंकि पता नहीं मैं लद्दाख तो गई नहीं, उसका एक्सपीरियंस नहीं है क्या है, बट यहाँ पे वही है, चारों तरफ पहाड़ है, उसके बीच में एक झील जैसा है। और ये जो झील है उसका पानी जो है वो ग्रीन कलर का रहता है। तो ये पूरा पानी है और ये ग्रीन कलर में है पानी इसका, और यहाँ पे बहुत सुंदर हवा चल रहा था। और आप वेदर देख के समझ ही पा रहे होंगे कितना अच्छा, कितना मस्त वेदर था, बहुत ही अच्छा था। और इधर अनीश भी बहुत खुश हो रहा था, वो गाड़ी में फिर से सो गया था, फिर सो के उठ के वो आया है। इधर राहुल, उधर दीपिका, सायंतन थे। तो ये पूरा व्यू सीरियसली बहुत ब्यूटीफुल था, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। मतलब एक टाइम के लिए इंसान जाके इसको घूम के आ सकता है। और वेदर भी बहुत अच्छा था,
तो यहाँ पे काफ़ी तेज हवा भी चल रहा था, बहुत तेज़ हवा चल रहा था। और ये जो पानी है ये स्विमिंग के लिए या फिर स्विम करने के लिए एकदम भी बेस्ट नहीं है, ये सब ना ही करे तो बेटर है। और यहाँ पे हर जगह डेंजरस का बोर्ड लगा हुआ था। तो जस्ट ये व्यू इसलिए है कि आप फैमिली के संग जाओ, फ्रेंड्स के संग जाओ, नेचर को इंजॉय करो, थोड़ा बैठो, टाइम स्पेंड करो और आ जाओ, बस इसके लिए ही है। तो ऑल ओवर बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि वेदर भी मस्त था उस दिन जिस दिन हम लोग गए थे। तो इधर अभी हम लोग वो घूम के आ गए, अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे लंच करने के लिए क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट करके निकले थे तो काफ़ी भूख लगा था। तो सोचे रास्ते में कि हम लोग लंच कर लेते हैं, तो हम लोग यहाँ पे रुके थे लंच के लिए। और यहाँ का भी व्यू आप देख सकते हैं कितना सुंदर, कितना प्यारा है। तो वहीं पर हम लोग सबको लंच किए थे, इधर आशु अनीस खड़े हैं, उधर नेहा हैं। तो हम लोग आ गए, इधर ये लोग ऑर्डर कर रहे हैं खाना लोग। तो हम लोग खाने के लिए ऑर्डर किए थे स्टार्टर्स में गोभी मंचूरियन एंड चिली चिकन ड्राई, और था हैदराबादी बिरयानी एंड गुंटूर बिरयानी खाने के लिए। तो ये हम लोग ऑर्डर किए थे यहाँ पे। तो यहाँ का हैदराबादी एंड गुंटूर बिरयानी फेमस है। और इधर मेरे को थोड़ा टाइम मिला था तो मेरे को लगा मैं अनीश को भी खिला दूँ, तो मैं यहाँ पे बिठा के अनीश को भी खिलाने लगी थी। तो ऐसे तो अनीश इतना शरीफ हुए से कभी खाना खाता नहीं है, बट वहाँ पे दीपिका थी वो थोड़ा डराती थी या फिर राहुल थोड़ा डराता था, तो उसको फ़ोन या फिर कार्टून का ज़रूरत नहीं पड़ता था, वो ऐसे ही खा लेता था। और इस उसको खाना खिलाने में बहुत टाइम लगता है। तो इधर हम लोग का स्टार्टर्स आ चुका है। तो मैं खाते टाइम का भी पूरा वीडियो नहीं बना पाई थी, बस मैं स्टार्टर्स का वीडियो बनाई थी और खाना जब कंप्लीट हो गया तो मैं थोड़ा वीडियो ली थी उसके बाद। तो हम लोग खाना वाना खा के फिर हम लोग घर चले गए थे। तो हम लोग रात को दीपिका के घर आके डिनर किए थे। आउसी सेम डे रात को हम लोग 2:30 को निकल गए थे क्योंकि अर्ली मॉर्निंग हमारा फ़्लाइट था 4:00। तो हम लोग का फ़्लाइट था बैंगलोर टू कोची। तो इसके बाद का वीडियो रहेगा वो सब। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल और देखते रहेगा, ट्रैवल ब्लॉग आते रहेगा। थैंक यू।